इस एपिसोड की शुरुआत भी पिंक के आर्टिकल के साथ होती है। वो लिखती है, लव का कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होता, किसी को भी नहीं मालूम कि वो कब, किससे और कहाँ हो जाए। वो कोई करीबी भी हो सकता है या फिर अचानक से कोई स्ट्रेंजर भी। और सिर्फ एक चीज है जिससे हमें पता चलता है कि वो लव है या नहीं, और वो चीज है हार्ट बीट, जो किसी स्पेशल वन के लिए अलग तरह से धड़कता है। तो फलान भी दोस्त के साथ उसी बार में पहुंचा जहां सरबित परफॉर्म कर रहा था। फिर दोनों की आंखें मिली और दोनों को कुछ स्पेशल फील हुआ। गाना खत्म होने के बाद सरबित ने माइक में ही सबको बोला, गाइस अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी और गाने को एंजॉय करना बाकी है। भीड़ में से एक लड़की ने सरबित को बोला, अगर आप रहेंगे तो मैं भी रहूंगी। पूरी भीड़ लड़की को चीयर करने लगे। सरबित भी खुश, ऑफ कोर्स मैं यहाँ रुकूंगा। फिर वो लड़की के पास आया और उसके कान में बोलने लगा, तो सबसे पहले मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। फिर उसने फलान का शोल्डर पर हाथ रखा और वॉशरूम चला गया। फलान भी स्माइल करने लगा और ड्रिंक पीने के बाद वो भी वॉशरूम आ गया और सरबित के पीछे खड़ा हो गया। सरबित जैसे ही मुड़ा, वो फलान से टकरा गया और उसके पैर लड़खड़ा गए। फलान ने तुरंत उसे संभाल लिया। फलान को देखकर सरबित के होठों पर स्माइल आ गई। वो बोलने लगा, सॉरी मुझे नहीं लगा था हम फिर मिलेंगे। फलान बोलने लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि आज सुबह मैं तुमसे टकराया और अभी तुम मुझसे। सरबित बोलने लगा, तो हम दोनों अब इवेन हो गए। फलान उसको कॉम्प्लीमेंट देने लगा, तुम बहुत क्यूट हो और नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जाने। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इधर तार भी अपने सारे ग्रुप्स के साथ उसी बार में आया था। पिंक उनके साथ नहीं थी, लेकिन तार की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तार वोमिटिंग पे वोमिटिंग किया जा रहा था। दोस्त भी परेशान उसे घर चलने के लिए बोलने लगे। तार उनसे कहने लगा, गाइस मुझे शराब के कुछ ब्रांड से एलर्जी है, जब भी मैं उसे पीता हूँ ऐसे ही वोमिटिंग करता हूँ, और हम अभी घर नहीं जाएंगे, मैं फेस धोकर आता हूँ फिर फ्रेश लगेगा। पर तार जैसे ही वॉशरूम के गेट पर आया, उसे फिर से वोमिटिंग आने लगे, क्योंकि वॉशरूम का नजारा ही अनोखा था। उसने फलान और सरबित को किस करते हुए देख लिया, उससे और देखा नहीं गया, और बिना फेस को धोए ही वो चुपचाप अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। सबको वहां से घर चलने के लिए बोलने लगा। दोस्त तार से कहने लगे, तार तुम अभी कह रहे थे कि वापस नहीं जाना और अभी बोल रहे हो चलो, बात क्या है? तार परेशान, कैसे बताए? गाइस यहाँ से चलो, तुम लोगों को मालूम है वो इमेज, उसे मैं अभी भी अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। दोस्त पूछने लगे, कौन सा इमेज? अब तार उस इमेज के बारे में क्या ही बताए। फलान और सरबित का वन नाइट स्टैंड हुआ, और जैसे सरबित की आदत थी, वो सुबह उठकर ऐसे स्ट्रेंजर की तरह वहां से जाने लगा। फलान ने उसे आवाज दिया, रुको तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, तो मैं तुम्हें कैसे कॉन्टेक्ट करूँ? सरबित ने डायलॉग फलान को भी चिपका दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वन नाइट स्टैंड सिर्फ एक बार होता है, तुम्हें नहीं मालूम? फिर वो तुरंत बाहर चला गया। फलान को भी सरबित की बात अजीब लगी, क्योंकि फलान को भी तो मालूम ही है ये वन नाइट स्टैंड था। यूनिवर्सिटी में तार जल्दी जल्दी पिंक के पास आया और उसे साइड में ले जाकर बताने लगा, पिंक तुम्हें मालूम है कल मैंने फलान को एक लड़के के साथ किस करते देखा। पिंक समझ गई तार फिर से कुछ घिसी पिटी न्यूज सुनाएगा। तार कहाँ से सुना तुमने, कौन था वो लड़का और किसने बताया तुम्हें? तार पिंक को यकीन दिलाने लगा, पिंक मैंने अपनी इन दोनों आंखों से फलान और सरबत को किस करते देखा, अब तो तुम फलान को लाइक करना जरूर बंद कर दोगी। पिंक सवाल करने लगी, आर्किटेक्चर मेजर का सरबत? तार ने भी हाँ में आंसर किया। बस पिंक तो एक्साइटमेंट से उछल पड़ी, थैंक यू सो मच तार, क्या न्यूज सुनाई है तुमने फलान और सरबत, अब मैं जाकर उनके बारे में और पता करती हूँ। फिर वो बाहर निकल गई। तार को भी पिंक की हरकत समझ नहीं आई। तार के ग्रुप की लड़की भी अंदर आई और तार से पिंक के ऐसे भाग कर जाने का रीजन पूछने लगी। तार ने उसे बताया, मैंने तो पिंक को बस ये बताया कि फलान और सरबत कल किस कर रहे थे, और ये बात मैंने उसे इसीलिए बताई ताकि वो फलान को लाइक करना बंद कर दे, पर वो तो बहुत खुश दिख रही थी। लड़की तार से कहने लगी, बेवकूफ तार, पिंक फलान को लाइक करती है पर उस तरह से नहीं, और अब जो तुमने उसे बताया है कि फलान और सरबत किस कर रहे थे, तो वो फलान और सरबत को करीब लाने के लिए कुछ भी करेगी। तार को भी समझ नहीं आया कि अब क्या करे। दूसरी तरफ फलान क्लास में तो था, पर उसका ध्यान सरबत के पास था। पहली बार में लव एट फर्स्ट साइट हो गया, दूसरी बार वन नाइट स्टैंड, पर सरबित ने डायरेक्ट बोल दिया, वन नाइट स्टैंड बस एक बार होता है, हाउ इज इट पॉसिबल? फलान ख्यालों में खोया। पिंग और टेप को भी फलान की हालत अजीब लगी, पर पूछने की हिम्मत दोनों में नहीं। फलान कार के पास आया, उसे होश कहाँ था, कार को अनलॉक किए बिना ही वो गेट खोलने लगा, तो गेट कहाँ से खुलेगा?
वो बोलने लगा, ये दूसरों की कार है क्या? टेप बोलने लगा, वाह ये रॉन्ग कार नहीं है, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे खोए खोए क्यों हो? तुम हमें कुछ बताना चाहते हो या फिर कोई बात ऐसी है जो हमें नहीं जानना चाहिए? पिंग भी बोलने लगा, वाह तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं जाना ओटपोट खाने तुम्हारे साथ, पता चला हमारा एक्सीडेंट करवा दोगे तुम, यहीं पास में ही कुछ खाने के लिए ढूंढ लेते हैं। और मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या बात है, हमें बताओ। टेप ने पिंग को चुप रहने के लिए बोला, पर पिंग बोलने लगा, टेप मुझे मालूम है तुम भी ये जानना चाहते हो। फा ने दोनों को शांत रहने के लिए बोला, गाइस आपस में आर्ग्यू करना बंद करो, फाइन मैं बताता हूँ। पर पिंग अपने ट्रैक पर आ गया, फा इससे पहले चलो कुछ खा लेते हैं क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है स्टोरी काफी लंबी होगी। फालान भी बोलने लगा, पिंग दूसरों के मैटर पर अपनी नाक घुसाने से तुम काफी स्मार्ट बन जाते हो, राइट? पिंग भी हंसने लगा। और फिर तीनों पास में आइसक्रीम स्टॉल पर चले गए। इधर फालान और शेरविद को ढूंढने निकली पिंग की नजर भी फालान और उसके दोस्त पर पड़ गई, वो उनके पीछे चल दी। पर फिर उसकी नजर शेरविद और प्रिंस पर गई, वो दोनों भी उसी स्टॉल के पास आ रहे थे जहाँ भाप ने दोस्तों के साथ बैठा था। पिंग तुरंत वही चुप कर सब नजारा देखने लगी। फालान ने टेप और पिंग को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे एक लड़का बहुत स्पेशल लगा और वो बस उसी के बारे में ही सोच रहा था। पिंग बोलने लगा, मैं उस लड़के का फेस देखना चाहता हूँ। शेरबत और प्रिंस भी आइसक्रीम खरीदने लगे, पर फालान की नजर शेरबत पर गई और उसने तुरंत शेरबत को आवाज दिया। पर शेरबत तो बड़ा ढीठ निकला, उसने फालान को ऐसे इग्नोर किया जैसे उसे कभी देखा ही ना हो और प्रिंस के साथ अपने स्वीटनेस उसे दिखाने लगा। शेरबत ने प्रिंस के आइसक्रीम खाए, प्रिंस को तो घिन आ रही थी पर शेरबत को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो बस फालान को जेलस फील करवा रहा था ताकि फालान उसका पीछा छोड़ दे। शेरबत प्रिंस के साथ वहां से चला गया, पर फालान से ज्यादा पिंक दुखी थी। आज फिर एक बार उसका मूड खराब हो गया, उसका ड्रीम टूटकर चूर चूर हो गया जो उसने फा और शेरबत को साथ में इमेजिन किया था। वो रोने लगी, अब तो फालान ने शेरबत और प्रिंस के स्वीट मोमेंट को देख लिए, अब वो उसके पीछे नहीं जाएगा। पिंग भी फालान और टेप को बताने लगा, गाइस ये शेर है, सामने से देखने में भी क्यूट है, राइट? फालान बेचारा शेरबत को जाते हुए ताकता रह गया, पर पिंग से उसे शेरबत का नाम पता चल गया। शेरबत भी पता नहीं क्यों बहुत स्माइल किया जा रहा था। प्रिंस ने रीजन पूछा, शेरबत बात घुमाने लगा, हाँ ये आइसक्रीम बहुत स्वीट है, मैंने इससे स्वीट चीजें पहले कभी नहीं खाई और स्वीट चीजें खाकर तो मुझे रिफ्रेश फील होता है। प्रिंस शेरबत के रग रग से वाकिफ है, उसे मालूम है कि शेरबत हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है। फिर वो शेरबत से सवाल करने लगा, अच्छा सीयर फालान तुम्हें आवाज क्यों दे रहा था, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? शेरबत तुरंत बोलने लगा, मैं उसे नहीं जानता, अगर मैं जानता तो उसे रिस्पॉन्स नहीं देता। प्रिंस बोलने लगा, शेरबत तुम्हारी आवाज इतनी लाउड क्यों है, तुम बहुत सस्पिशियस लग रहे हो। शेरबत फिर प्रिंस को टीज करने लगा, क्यों प्रिंस तुम जेलस हो रहे हो, अगर कोई और मुझे आवाज दे रहा तो? प्रिंस बोलने लगा, सीएम मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो तुम्हें अप्रोच कर रहा है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम ड्रंक होते हो एकदम होश में नहीं रहते, तुम एक बर्डन हो मेरे लिए। पर शेर भी सवाल करने लगा, प्रिंस तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम, मेरे पीछे तुम उसे डेट कर रहे हो क्या? बताओ मैं उसके मुंह पर एक पंच मारूंगा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे प्रिंस को मुझसे दूर ले जाए। पर प्रिंस ने बताने से साफ मना कर दिया। बेचारी पिंक भी मुंह लटकाए वापस अपने ग्रुप के पास आ गई, सब उसे सवाल करने लगे, क्या हुआ पिंक? पिंक का रोना शुरू हो गया, गाइस मेरे ड्रीम को कुचल दिया गया, फालान ने शेरबत और प्रिंस के स्वीट मोमेंट को देख लिया, अब वो उसके पीछे नहीं जाएगा, फालान जैसा परफेक्ट गाय अब शेरबत के पीछे नहीं जाएगा। पिंक का रोना धोना तो कंटिन्यू था। फालान भी पिंक के मुंह से शेरबत का नाम सुनकर उसके खींचते हुए एक टेबल पर ले आया और सवाल करने लगा, तुम उन दोनों को जानते हो? पिंक बताने लगा, मैं शेर को जानता हूँ। फालान सवाल करने लगा, शेर और शेरबत कौन है वो? पिंक बोलने लगा, तुम उसे नहीं जानते, वो भी तुम्हारे जैसा ही क्यूट बॉयज की लिस्ट में है अदर क्लब से। फिर उसने अपने फोन में फालान को शेरबत का फोटो दिखाया और आगे बताने लगा, शेरबत आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का जूनियर है, वो एक सिंगर है और क्रॉपलॉक म्यूजिक बार में गाना गाता है। टेप भी सवाल करने लगा, क्या वफा कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे डिस्ट्रैक्टेड होने का रीजन यही है? पिंक का भी सेम सवाल था। फालान उन्हें बताने लगा, हाँ गाइज कल मैं उसे मिला, हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी बने और मैं उसका नाम तक नहीं जानता, पर मैंने आज उसे आवाज दिया और उसने मुझे इग्नोर कर दिया जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं। टेप बोलने लगा, और इस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, राइट? फालान ने भी जवाब दिया, थोड़ा थोड़ा। पिंग बोलने लगा, सच में भा उसने तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया। वैसे गाइस
मैंने शरबत के बारे में सुना है कि वो कुछ सीरियस ढूंढ रहा है, तो तुम बस उसके वन नाइट स्टैंड बन सकते हो। टैब भी बोलने लगा, देखो फा, तुम्हारे जैसे हैंडसम रिच पर्सन को लड़का या लड़की हर कोई डेट करना चाहेगा, पर अगर पिंक की बात सही है और वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब तुम शरबत के बस वन नाइट स्टैंड बन सकते हो। फालान परेशान सवाल करने लगा, गाइस उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वो दूसरा लड़का कौन था? पिंक बताने लगा, तुमने सुना नहीं, वो उसका वाइफ ही है। फालान तुरंत बोलने लगा, पर शरबत मेरा वाइफ ही है। टू बेड, उसे सिंगल होना चाहिए था। टेब फालान को याद दिलाने लगा, फा तुम्हारा वाइफ ही भी तो है। फा तुरंत बोलने लगा, तो क्या हुआ? मैं एक हॉट गाय हूँ, शेयर को मुझ में इंटरेस्ट होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर पिंग फालान का फेस देखने लगा, फा बड़े गुड लुकिंग दिख रहे हो, नो एक ने क्या बात है, कैसे? फालान ने उसे एक प्रोडक्ट दिया और उसे लगाते ही पिंग बोलने लगा, अब मैं अच्छा दिख रहा हूँ? दोनों उसे कहने लगे, इतनी जल्दी नहीं पिंग, और तीनों यारों की मस्ती जारी रही। तो इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।